हेलो दोस्तों, एवरी एनिमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा किसी को जलाओ मत वरना नज़र हो जाएगी, या फिर लोग कहते हैं कि किसी की बद्दुआ मत लो वरना वो बद्दुआ लग जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या दुआओं से शक्तिशाली बद्दुआ होती है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम एक ऐसे गाँव की बात करने वाले हैं जिन्हें पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन वो बसा बसाया गाँव उजड़ गया और रात ही रात वीरान हो गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या वजह थी, क्यों ये गांव रातों रात वीरान हो गया। कुलधारा, एक रहस्यों से भरा गांव। दोस्तों, कुलधारा गांव 18 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से, और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। इस गांव में पालीवाल आकर बस गए। पालीवाल एक ब्राह्मण थे जिन्होंने पहली बार इस जगह को खोजा और यहाँ पर रहना शुरू किया। इन मकानों की खास बात थी कि इतनी गर्मी में भी ये ठंडे रहते थे, क्योंकि इन मकानों का नक्शा इस प्रकार था कि ठंडी शीतल हवा मकानों को अंदर से ठंडा रखती थी। काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी इन पालीवाल ब्राह्मणों की, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक दीवान जिसकी नज़र इस गाँव पर बहुत दिनों से थी, उसे इस गांव की एक लड़की से प्यार हो गया। दीवान ने अपनी शराफत से इस गांव के पालीवाल के एक परिवार से उस लड़की का हाथ मांगा, पर पालीवाल को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने ये रिश्ता ठुकरा दिया। उसी के बाद से दीवान ने इस गांव को परेशान करना शुरू कर दिया। पालीवाल काफ़ी स्वाभिमानी पंडित थे, वो अपनी गाँव को बचाने के चक्कर में अपनी बेटी का बलिदान नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने रातों रात ये गांव खाली करने का फैसला किया। और आज इस बात को करीब 200 साल हो चुके हैं। आप अपनी लड़की की शादी हमारे समाज में कराइए तो आप हमारे कजन बन जाएंगे, हम आपका जो भी बिजनेस वगैरह वापस करेंगे। तो उन लोग ये थे पालीवाल ब्राह्मण, वो थे राजपूत और माहेश्वरी, इसलिए उन्होंने कास्ट और प्रॉब्लम, तो वो मतलब एक अदर कास्ट में शादी वगैरह अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और गाँव छोड़ा, और आज भी इस गांव में कोई बसावट नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा पाली वालों के शराब के कारण। आसपास के गांवों की माने तो वो कहते हैं कि यहां से जाने के बाद पाली वालों ने इस गांव को शराब दिया था कि कोई भी अब यहां पर बसावट नहीं कर पाएगा। तो शराब दे गए, इसमें कोई बसेगा नहीं और आज तक ये गाँव वीरान। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ कोशिश की कि वो अपनी बसावट कर सके, पर वो आए तो थे यहाँ बसावट करने, उसके बाद वो लोग कहाँ गए उनका कुछ नहीं पता। जरूर कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो प्रिवेंट करता है लोगों को यहाँ पे रहने से। अब माने अगर एक्सपर्ट्स की तो इन्होंने बताया कि यहाँ कुछ नेगेटिव पावर्स हैं जो इस गांव में भटक रही है और इस गांव को दोबारा अच्छा बनाने से रोक रही है। हम जब भी आए हैं दिन में भी ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी है, कुछ नेगेटिव है तो कहीं पॉजिटिव है। जैसे आप और हम चल रहे थे तो कई बार ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है या कोई हमसे बात कर रहा है, जबकि हम 3-4 लोग ही थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब जब वो लोग कुलधारा गए हैं तो उन्होंने अजीब सी बातें देखी, जैसे जब वो पालीवाल ब्राह्मणों के कमरे में गए तो उन्होंने बिना मौसम की हवा देखी जो कि काफ़ी ठंडी थी, और साथ ही साथ जब वो नीचे मार्केट में आए तो उन्होंने पायलों की आवाज़ सुनी। मिडनाइट के बाद कुछ पर्टिकुलर डेज पे कुछ आवाज़ें आती है, चहलकदमी की आवाज़, लोगों की बात करने की आवाज़, पायलों की भी आवाज़ आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुलधारा में दिन में जाना अलाउड है पर रात में नहीं। हाँ, काफ़ी खतरनाक, ऐसा देखा भी है, सुना भी है और महसूस भी किया है। दिन भर यहाँ पर्यटक खूब आते हैं, रात को यहाँ कोई नहीं आता है। ये डरावनी जगह है और यहाँ खूब आवाज़ आती है कि बताओ या कुछ ऐसी चीज़ें आती है, देखा भी है सुना भी है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता रात। आवाज आती है, डरावना होता है, ऐसे छाया जैसे शैडो जैसे मूव करता है। और कई जगहें कुलधारा में ऐसी है जहाँ पर दिन में जाना भी अलाउड नहीं है। हमारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जिन्होंने रात को कुलधारा में भ्रमण किया और उनकी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार थी। हमारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की माने तो जब वो कुलधारा में गए थे तो उस रात टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, पर कुलधारा की कई जगहें ऐसी थी जहां पर टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया था।
इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने उन जगहों पर फोकस किया कुलधारा में, जहां पर आसपास के लोगों ने बहुत सारी अजीब घटनाएं देखी। और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने ये रिपोर्ट दी अपने इंस्ट्रूमेंट के प्रूफ्स पर कि यहाँ पर नेगेटिव पावर्स हैं जिनकी शक्तियाँ बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कुलधारा एक श्रापित गांव है या फिर कोई और सच यहाँ पर छुपा है जो इसे सुनसान और वीरान बनाता है? हो जाता है, या तो वो बीमार हो जाता है या मर भी जाता है। इसलिए ऐसे कुछ हादसे हुए हैं जो लोग सुना रहे हैं, पुराने लोग, इसलिए यहाँ रात को कोई नहीं आता। अगर आप लोगों को यहाँ पर रात को जाने का मौका मिले और यहाँ की नेगेटिव पावर से बात करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहोगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।